हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज हम दोबारा अनबॉक्सिंग की वीडियो में आ चुके हैं। आज है हमारे सामने दो DS-18, एक है व्हाइट वाला, एक है ब्लैक वाला। तो देखना देंगे जवान बेसिकली, तो आज देखना चाहेंगे कि कौन सा ज्यादा बेटर है। इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपने क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब का घंटा दबा देना और उसके आगे लगी घंटी भी दबा देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे। तो आज है हमारे सामने DS-18 के दो, तो दोनों ही सेम है। पहले इस वाली पैकिंग के अंदर आता था व्हाइट कलर और व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन आता था। अब आ गया है हमारा न्यू पैकिंग के अंदर, ब्लैक सीरीज के अंदर, हमारा बोले तो एक तरीके से ब्लैक बॉक्स में आ गया। क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, बस पैकिंग का थोड़ा फर्क आ गया। पहले व्हाइट एंड रेड था, उसके बाद में आ गया ब्लैक एंड रेड। तो चलते हैं आज इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके फीचर्स वगैरह देखते हैं। जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इसका टेस्टिंग वगैरह सब डाल रखा है। इस वाली वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएंगे, प्राइसिंग वगैरह मिल जाएगा, कितने का रहने वाला है सारी चीजें। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और क्या बोलते हैं, खुल जा सिम सिम। तो सबसे पहले खुल जा सिम सिम से पहले हम स्पेसिफिकेशन पे ही जोर डाल देते हैं क्या है। तो इसको करते हैं साइड, पुराना गया नया आया, करते हैं स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लिखा है वी लाइक इट लाउड या वी इट लाइक डाउन लाउड, जो भी है व्हाटएवर। देख लेते हैं तो 6.5 इंच के ये मिड रेंज स्पीकर्स हैं दोस्तों, कंपोनेंट स्पीकर्स नहीं है। कंपोनेंट्स का मतलब है कि ट्यूटर और सब स्पीकर और सबवूफर का एक कॉम्बो आता है, तो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ये है सिर्फ मिड रेंज स्पीकर है, इस बॉक्स में सिर्फ सिंगल है, तो ये पेयर आते हैं अलग अलग। अगर किसी का सिंगल भी खराब हो जाए तो एक सिंगल भी मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। तो DS-18 प्रो इसके अंदर लिखा हुआ है। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, बॉक्स के ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर नॉमिनल डायमीटर है 6.5 इंच का रहने वाला है, यानी कि इजिली आपका डोर्स में माउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 4 ohms है, 4 ohms का स्पीकर है ये। बाकी है RMS पावर हैंडलिंग की बात करें तो 140 वोट RMS का है, तो इसको चलाने के लिए आपको कम से कम 100 वोट RMS पर चैनल फोर चैनल लेना पड़ेगा, या फिर आजकल फुल रेंज एम्पलीफायर भी आ रहे हैं। फुल रेंज यानी कि मोनो एम्पलीफायर है, जिसके अंदर HPF का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन करके आप पूरी पावर दे सकते हैं। इस सेगमेंट में आपके डेप बाउंस के आ जाते हैं। साउंड वेरियंट ने भी एक नया एम्पलीफायर निकाल दिया है जो फुल रेंज है, तो उसकी जल्दी ही मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी करने वाला हूं जैसे ही मेरे पास आता है। उसके अलावा और भी कंपनीज के फुल रेंज स्पीकर्स आते हैं, तो मिड रेंज को आप उस पर चलाओ तो ज्यादा क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगा, जितनी आप RMS चाहते हो, जितनी आप लाउडनेस चाहते हो। बाकी और देख लेते हैं और क्या चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी। मैक्स पावर हैंडलिंग है 480 वॉट, सेंसिटिविटी की बात करें तो 95 dB, नॉट बैड। वॉइस कॉइल डायमीटर है इसका 1.5 इंच का, यानी कि 1.5 इंच का, और वॉइस कॉइल फॉर्म मटेरियल है कैप्टन की। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें 90 हर्ट्ज से लेकर 10K हर्ट्ज तक आपको ये रिस्पांस देने वाला है। और बात करें तो वेंडिंग मटेरियल की के CCAW होगा कुछ, तो इन फ्यूचर में भी इसके हम रेकी करूंगा कि क्या नई चीज आई है तो आपको भी मैं बता सकूं क्या है। कोन मटेरियल की बात करें तो पेपर कोन है, जितनी भी आपको मिड रेंज वगैरह मिलेगी वो पेपर कोन में ही मिलेगी, जो परफेक्ट वॉइस को मतलब परफेक्ट वॉइस फ्रीक्वेंसी निकालता है पेपर, क्योंकि जितना पेपर करारा हुआ, जितना मटेरियल उसका अच्छा हुआ, उतने ही आपको लाउड और क्लियर साउंड देगा। आप जितनी भी मिड रेंज देखोगे वो पेपर कोन में ही आपको मिलेगी। तो बुलेट मटेरियल है, एल्यूमिनियम का हो जाता है इसका जो ऊपर जो रेड कलर का जो आता है। सराउंड मटेरियल इसका क्लोथ हो गया है, और बास्केट मटेरियल हो गया स्टील, मैग्नेट मटेरियल हो गया फेराइट का, और मैग्नेट वेट है इसका 23 OZ, इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो फिर जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और कैमरा को बोलते हैं थोड़ा भाई पास में आ जा। तो दोस्तों आपने क्या बोलना है, खुल जा सिम सिम। तो खुल जा सिम सिम, तो आपको स्टार्टिंग में आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा, तो ऑलवेज अपने डीलर को बोलो कि मेरे को वारंटी कार्ड भर के ही देगे, ताकि अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है तो आपका रिप्लेसमेंट हो जाए आराम से। साथ में आपको DS-18 का एक स्टिकर मिल जाएगा, पहले वो किसी और कलर में आता था, अब इसके अंदर आपका सिल्वर और ब्लैक कलर में आ गया। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, अगर मेरे पास कोई पुराना DS-18 का कोई स्टिकर पड़ा होगा तो मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो इसमें कुछ मिल जाए मेरे को आपके लायक। तो ये दोस्तों आई थिंक मेरे पास पुराना वाला नहीं है, क्या मेरे को पहले से थोड़ा सा
रखना चाहिए था। सही दोस्तों, वो मेरे पे पुराने वाला अभी मिल नहीं रहा, तो फिलहाल अभी है तो मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कुछ ग्लो करने वाला है, इसके अंदर रंग बिरंगा कुछ आ रहा है, तो इसको रखते हैं हम साइड में। साथ में इसकी मैनुअल मिल जाती है, तो एक बार अपने प्रोडक्ट की मैनुअल को ज़रूर पढ़ें ताकि आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन पता लग जाए कि क्या क्या है। तो वही चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर जो बॉक्स के ऊपर लिखी हुई थी, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर भी जो मेन RMS पावर हम जो स्पीकर्स में देखते हैं कि कितने ओम्स का है और कितने वॉट RMS का है, तो ये 4 ओम्स का है और 140 वॉट RMS का है। बाकी मिड रेंज वॉइस कोइल वगैरह, कैप्टन वगैरह, वही सारी चीज़ दे रखी हैं। साथ में इसका FS वगैरह, वास वगैरह, ये सारी चीज़ भी दे रखी है, जिस हिसाब से आप अपना बॉक्स वगैरह भी इसको बना सकते हो। मेजरमेंट वगैरह सारा प्रॉपर दे रखे थे। एक अच्छी कंपनी की यही पहचान होती है कि वो सारी चीज़ आपको देखता है। वी लाइक इट लाउड, तो हम ऑलवेज है यंगस्टर सारे लाउड ही लाइक करते हैं। साथ में पैकिंग अच्छी आई है, तो आपको ये एक फ्रेम मिल जाता है। ये गत्ता जो है इसके अंदर आप देख रहे होगे, अगर फोकस आ रहा है तो ये आप काट के इसको अपने गत्ते पे लगा सकते हो और एक मेज़रमेंट ले सकते हो कि आपको कितना उसको होल्ड करना है। बाकी अब ये आ जाता है हमारा DS18, तो बॉक्स को करते हैं साइड में। और बॉक्स में अभी फ़िलहाल स्क्रू वगैरह तो नहीं है इसके अंदर कुछ भी ऐसा, बस आपको एक मॉइस्चर ना आए उसके लिए आपको दे रखा है, तो ये डब्बे के अंदर ही रहता है। तो ये है DS18 दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मिड रेंज है। मैं पर्सनली इसको खुद ही चला भी रहा हूँ तो मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे दो स्पीकर थोड़ा जब मैंने अपनी वरना में से उतारा था तो साइड में रख दिए थे, तो मैंने डब्बे में ना रख के ऐसे ही रख दिए, तो थोड़ा उसके अंदर पानी वानी गिर गया तो यहाँ पे सारा कौन मेरी पानी में हो गई थी। तो आजकल वैसे भी दिल्ली में धूप बहुत है, तो मैंने धूप में रख दिया था तो ठीक हो गया था, थोड़ी आवाज़ में फ़र्क आ गया। तो लेकिन आप ये गलती ना करें, ऑलवेज अगर चीज़ आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसको बॉक्स में कपूर वपूर की गोलियां डाल के रख दो ताकि मॉइस्चर वगैरह ना आए। तो आप देख सकते हो इसके अंदर स्पाइडर भी, ब्लैक होम वाला स्पाइडर और रेड स्पाइडर दे रखा है। साथ में आपको यहाँ पे इसका बारकोड मिल जाएगा, और पीछे भी इन्होंने चेंज कर दिया, पूरा ब्लैक एंड रेड सीरीज के अंदर आ गया। इसके अंदर भी बैजिंग दे रखी DS18 Pro GM6.4B, ये इसका मॉडल नंबर है। वी लाइक इट लाउड इधर भी लिखा हुआ है। 140 वॉट RMS है, 4 ओम्स है, और पीक पावर इसका जाता है 480 वॉट मैक्स चला जाता है। तो दोस्तों आपको फोकस आ रहा हो तो पीछे लाइट जल रही है तो ऐसे ही आएगा। पूरा ब्लैक बास्केट दे रखा है, बहुत बढ़िया, मतलब हाथ में रखता है, और लाइट वेट भी है थोड़ा ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको माउंट करने में। और साथ में रबर साउंड दे रखी है ताकि पैकेजिंग दे रखी है, इसकी गैस्केट भी बोलते हैं इसको। और साथ में आपको जिस बुलेट की बात कर रहा था, ब्लैक वाला, रेड वाला, वो दे रखा है इसके अंदर। तो हमारे जो साउंड को है अलग अलग इनहेंस कर जाता है, कैप अलग तरीके से साउंड फ्रिक्वेंसी निकालती है, जो बुलेट दे रखा है वो अलग तरीके से फ्रिक्वेंसी निकालते। तो मैं एक वीडियो ऐसी बना दूंगा कैप वर्सेस बुलेट के अंदर क्या फ़र्क आने वाला है, साउंड में कितना तीखा चला जाता है, कितना करारा बढ़ता है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लाता रहूँगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग सेगमेंट की, प्राइसिंग क्या रहने वाला है। जो बॉक्स के ऊपर लिखा है 5,990 रुपीज, जो इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस है, यानी कि इससे ऊपर इसका प्राइस नहीं रहेगा एक पीस का। बट मैं इसमें आपको डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, तो डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं इसके डिस्काउंट रेट, तो मैं अभी आपको एक रेट बता दूं तो वो चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फिर वीडियोस को पकड़ के बैठ जाओगे कि यार भाई आपने उसमें ये रेट बताया था। तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, तो मैं सबका फोन उठाता हूँ। किसी को कोई भी ऑडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बिंदास होके मुझे फोन मिला सकते हो। मैं ऑलवेज अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर डालता हूँ ताकि आपको ऑडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो वो सॉल्व हो जाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सब्सक्राइबर्स को कि मैं ऐसा दुविधा में या परेशानी में ना छोड़ूं। कुछ भी हो, किसी का रेट पूछना हो, कोई भी चीज ले रहे हो, तो एक बार आप मेरे को कॉल कर सकते हो कि मार्केट में खड़े हुए हैं कि भैया इसका क्या प्राइस पड़ जाएगा लास्ट ईयर वगैरह, तो आप प्राइसिंग वगैरह भी मेरे से ले सकते हो। कहीं वायरिंग वगैरह कर रहे हो, कहीं पे भी ऑडियो से रिलेटेड कहीं पे भी फंसे हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेव ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। बाय बाय।